फागोत्सव के धूम के बीच मरुधरा का सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। राजस्थान में जहां एक और कांग्रेस और भाजपा उपचुनाव के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वहीं राजस्थान की तीसरी ताकत कहे जा रहे हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही है। लिहाजा खुद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कमान संभाल ली। 4 में से 3 मेवाड़ की सीटें हैं, ऐसे में हनुमान बेनीवाल मेवाड़ में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बेबाकी को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हनुमान बेनीवाल की जुबान फिसल गई। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर विवादित बयान दे दिया है। बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे को जब लाए थे तब उन्हें माइक पकड़ना नहीं आता था, नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। सीएम बनना अलग बात है और बदलाव करना अलग बात। ये वही मुख्यमंत्री राजे है जिनके साथ परिवर्तन यात्रा में मैं भी कभी घूमा करता था। तुन होकर घूमती थी मैडम। तो मैडम को खुद को वसुंधरा जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था, किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। कि सीएम बनना अलग बात है लेकिन बदलाव करना अलग बात है। ये वो मुख्यमंत्री वसुंधरा थे जिसके साथ परिवर्तन यात्रा में हम भी घूमते थे। इतना ही नहीं बल्कि बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को आड़े हाथ लेते हुए ये भी कहा कि यहाँ महिला मुख्यमंत्री भी रही है, उनके आने के बाद राजस्थान की स्थिति खराब हुई, जातीय स्थिति बनी, गुर्जर और मीणा भी आपस में लड़ने लगे। यहाँ की महिला मुख्यमंत्री भी रही राजस्थान की बहुत दिन बाद, लेकिन उनके आने के बाद ही राजस्थान की बंद पिटी, एक जातीय जो देर राजस्थान के अंदर बोला, जाट की बेटी राजपूत, जाट की बहू राजपूत की बेटी, गुर्जर की समधन, उसकी पाणजी, उसकी बुआ, इस तरह का वातावरण पहली बार वसुंधरा आने के बाद राजस्थान के अंदर बना, जहाँ गुर्जर मीणा भी लड़े, जाट राजपूतों के बीच भी लड़े राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नए राजस्थान के निर्माण के लिए बड़ा संघर्ष करेंगे, बड़े आंदोलन हम करेंगे। और कांग्रेस जो पॉलिटिकल माइलेज तीनों कृषि बिलों के खिलाफ लेना चाहती है राजस्थान के, ये कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरपी पार्टी ने इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया। जब हमने 3 बार कूच किया उसके बाद पहली बार ये हाईवे जाम हुआ, और एकमात्र सांसद हूँ देश का जो सड़क पर भी लड़ रहा हूँ और लोकसभा के अंदर भी किसानों के लिए सत्ता को छोड़ा। खैर, दौरे के पहले ही दिन बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। वहीं बेनीवाल ने उपचुनाव को लेकर भी कहा कि हम 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बार भाजपा या कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं होगा। नगर पालिकाओं में पहली बार हमारा एक बोर्ड बना है, चुनावों की घोषणा के बाद ही हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। कुल मिलाकर बेनीवाल अब उपचुनाव में अकेले ही दम दिखाते नजर आएंगे। साथ ही अब वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलने पर बेनीवाल को कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। लिहाजा बेनीवाल इन चुनावों में जमकर वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खिलाफत करते नजर आएंगे। ऐसे में बेनीवाल की यह स्ट्रेटजी वोटों में कितनी बदलती है, ये तो आगामी चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।